आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट का जो 20 अगस्त 2023 को एग्जाम डेट है, वो एग्जाम डेट जो है उसमें एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसका प्री एडमिट कार्ड आप जिसको कहते हैं वो जारी कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है और सेंटर कहाँ गया है और कैसे अपना एडमिट कार्ड देख पाएं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें सीटेट के इस 20 अगस्त वाले परीक्षा के बारे में, तो ये पहले से ही तय था 20 अगस्त और 20 अगस्त को ही इसका एग्जाम लिया जाएगा। और प्री एडमिट कार्ड का मतलब होता है कि एग्जाम सिटी देखने का, कि आपका एग्जाम जो है किस सिटी में गया है। तो हमने एक वीडियो डाल के पहले ही बता दिया था कि आप जिस जगह फॉर्म को अप्लाई किए थे, जैसे मान लीजिए सेंटर वगैरह फुल हो जा रहे थे, वो ऑनलाइन का ही सुविधा, ठीक है, अभी ऑफलाइन होगा एग्जाम, तो इसमें कोई सेंटर फुल वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला था कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस के नज़दीक जो भी सेंटर होगा वह दिया जाएगा। तो सेंटर आपके अपने शहर में मिल चुका है काफ़ी सारे लोगों को, 95% से 96% लोगों को अपने ही आधार कार्ड, जो भी उनका एड्रेस प्रूफ रहा होगा, जो उन्होंने लगाया होगा सीटेट का फॉर्म भरते समय, उनके एड्रेस पर मिला है। सपोज दैट मान लीजिए फॉर्म भरते समय अभी क्या हुआ था पिछली बार कि सेंटर वगैरह फुल हो गए थे, कुछ लोग नोएडा डाल दिए थे, कुछ लोग गाजियाबाद डाल दिए थे, कुछ लोग कहीं और सिटी में डाल दिए थे, तो वहाँ उनका सेंटर वहाँ नहीं मिलना था। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो डाल के, आपके अपने सिटी में एग्जाम सेंटर जो है मिल चुका है, आप लॉगिन करके देख सकते हैं। और कैसे लॉगिन करके देखें, तो सीटेट पे जाना होगा, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ जाकर के आप एडमिट कार्ड यानी कि प्री एडमिट कार्ड जिसे आप कहते हैं एग्जाम सिटी को चेक करना हो, चेक कर सकते हैं। और आपका सेंटर आपके ही सिटी, आपके ही शहर में, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है, जैसा कि पिछली बार या हमेशा होता आया है सीटेट का एग्जाम वगैरह। 20 अगस्त को एग्जाम है, 2 दिन ठीक पहले आपको पता चलेगा किस स्कूल में है, एग्जाम सिटी पता चलेगा कौन से शहर में है आज, लेकिन आपको 18 अगस्त 2023 को सुबह सुबह ही आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में किस स्कूल में आपका सेंटर गया है, ये 2 दिन पहले ठीक पता चलेगा। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।